चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं ने गोलघर काली मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके संबंध में गोलघर काली मंदिर के पुजारी पुष्ट अष्टभुजा सैनी ने बताया कि मंदिर सुबह 4 बजे खुल गया था और तब से 5,000 श्रद्धालुओं ने माता काली की पूजा अर्चना किया है। उन्होंने बताया कि यह बहुत पुराना मंदिर है और बहुत दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माता काली सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, जिसकी वजह से चैत्र नवरात्र में यहां काफी भीड़ होती है, यहां पर लंबी लाइन लगती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी पुत्र अष्टभुजा सैनी, पुत्री राजलक्ष्मी सैनी, श्रद्धालु प्रसाद किरण राव ने कहा। तो अभी सुबह से आज मंदिर का 4 बजे खुल गया था, उसके बाद से अभी तक मिला है तो करीब से करीब 5,000 से ऊपर लोग श्रद्धालु लोग आ चुके हैं। ये माता जी का लास्ट दिन है तो काली जी का दिन है, इसलिए भीड़ बढ़ती जाएगी रात तक, और अनुमान है कि 15,000 के ऊपर श्रद्धालु यहाँ पे रहेंगे। जी, काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ, माता जी खुद स्थापित हुई हैं, मतलब अपने से निकली थी, जमीन से निकली हुई हैं। वहाँ पे एक छोटी सी पिंड है, उनको देख के एक प्ररूप माता जी का दर्शन काली जी का हुआ था, यहाँ पे काली जी का स्थापना किया गया था। हर वर्ष इतना ही भीड़ होता है? हर वर्ष इससे ज़्यादा, हमेशा ऐसे भीड़ होता है। अष्टभुजा सैनी के दिन माँ दुर्गा का खोइचा भरा जाता है चावल और नारियल से, और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत काफी टाइम से ये प्राचीन मंदिर है, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। कितने की संख्या? हजारों की संख्या में आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। काफी पुराना मंदिर है? बहुत काफी पुराना मंदिर है ये, मेरे दादा परदादा के जमाने से ये मंदिर चल रहा है, और हम लोग के मतलब पापा, अब मतलब पुजारी मेरे पापा हैं और उनके बच्चे अब चला रहे हैं ये मंदिर। फिर काफी पुराना मंदिर है ये, सेवा करते हैं हम लोग यहाँ पे, सेवा करते हैं। मेरा नाम राजलक्ष्मी है, राजलक्ष्मी सैनी। जो आदमी अपना मंगता को पूरा करता है उनको देती हैं, वो उनका दरबार खुला है हमेशा के लिए, उनके दरबार में ताला ना चाबी लगता है, जो मांगिए सब मिलेगा। क्या क्या चढ़ाया जाता है? अरे नारियल यही चढ़ाया, फूल चढ़ाया, कपूर चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया जाता है, और क्या चढ़ाया जाता है, जो जो 20 साल से आते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है यहाँ पे? नारियल, कपूर, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, पेड़ा, फूल, अगरबत्ती, ये सब चढ़ाया जाता है। अष्टमी का दिन विशेष महत्व होता है? हाँ, अष्टमी के दिन विशेष महत्व होता है। बहुत बढ़िया भाग्यशाली दिन, आज बुध के दिन अष्टमी पड़ा है, बहुत भाग्यशाली, बहुत दिन बाद पड़ा है। किरण राव।